गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर 4 फरवरी को आयोजित होने वाले समारोह की तैयारियों का मंडलायुक्त डीआईजी डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में कुल मिलाकर रेलवे को मिला रिकॉर्ड 2,15,000 करोड़ का बजट। विद्युतीकरण को और संरक्षा पर दिया गया है विशेष जोर। जिला स्तरीय तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील गोला में डीएम डीआईजी एसएसपी ने सुनी फरियादियों की फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश। लक्ष्मीकांत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर उप श्रमयुक्त गोरखपुर द्वारा पद का दुरुपयोग कर गैरकानूनी तरीके से 2,00,000 रुपए रिश्वत लेने का लगाया आरोप। बातचीत का ऑडियो मीडिया से किया साझा। उप श्रमयुक्त ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का किया खंडन, कहा, मेरे ऊपर लगाया जा रहा है फर्जी आरोप। थाने की पुलिस ने चोरी के मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस टीम ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के पास से चोरी की गई एक लैपटॉप, एक आरी, एक हथौड़ी और 1,300 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने दी जानकारी। गोरखपुर महानगर के अंदर प्रवेश के लिए जाम से जूझ रहे लोगों को निजात दिलाने के लिए आरटीओ अनीता सिंह ने खाका किया तैयार। कहा, नौशन के बाद महानगर के अंदर डग्गामार एसी बसों का प्रवेश रहेगा वर्जित। नियमों की अनदेखी करने पर की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। एसडीएम सदर ने कहा, आए मामलों में से कुछ मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। शेष के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया निर्देश। योगी सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा माह मनाने के क्रम में गोरक्ष पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यातायात माह जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। ऑटो चालकों को यातायात नियमों की दी गई जानकारी। 4 फरवरी को चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के अवसर पर शहीदों को सम्मान देने के लिए पुलिस बैंड का हुआ रिहर्सल। डीआईजी और एसएसपी ने दिए आवश्यक निर्देश। कहा, सभी शहीद स्थलों पर शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। महानगर के गोलघर स्थित जटेपुर पुलिस चौकी के पीछे पेट्रोल पंप पर अनियंत्रित कार ने मारी टक्कर। नहीं हुई कोई जनहानि। मौके पर पहुंची पुलिस, चालक और गाड़ी को कस्टडी में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 105 रेल कर्मियों को 12 फरवरी को मिलेगा एनईआर जीएम अवार्ड। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने दी जानकारी। गोरखपुर में मंगलवार को मिले मात्र 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,400। अब तक 357 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 85 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। और अल्पाइन फाउंडेशन और अपना गोरखपुर के तत्वाधान में नगर निगम में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का किया गया आयोजन। महापौर ने कहा, ऐसे कार्यों के लिए अन्य संगठनों को भी आना होगा आगे।